डाउरी क्या है, डाउरी के बड़े मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डाउरी की अहमियत मतलब रखी जाती है, डाउरी के ऊपर बाकायदा पूरी जंग हो जाती है, मारपीट हो जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है, मर्डर्स हो जाते हैं। डाउरी का जो कल्चर है उसके बारे में आपको क्या लगता है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बहुत सीरियस गुफ्तगू करने आए हैं। हम डिस्कस करना चाहते हैं एक बहुत बड़ा एक टर्म है जिसको हम कहते हैं जहेज, डाउरी। डाउरी क्या है, डाउरी के बड़े मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डाउरी की अहमियत मतलब रखी जाती है, बहुत ज़्यादा घराने हैं एक डाउरी के ऊपर बाकायदा पूरी जंग हो जाती है, मारपीट हो जाती है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है, मर्डर्स हो जाते हैं। तो डाउरी जो है, नेमा आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डाउरी का जो कल्चर है उसके बारे में आपको क्या लगता है? या अच्छा, डाउरी का कल्चर ना बहुत पुराना है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी, और अभी बिफोर द पार्टीशन इवन इंडिया में भी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड टू डिमांड यू नो दैट समथिंग मतलब डिस्टर्बिंग, या आप समझ लें कि बेटी, एक तो पेरेंट्स अपनी बेटी भी दे रहे हैं, मतलब बेटी ब्याह के चली जाएगी, फिर उसके साथ उसको ये भी कहते हैं कि लिस्ट भी आती है कि जी आपने ये सारी चीज़ें देनी है, जिसमें फर्नीचर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग, होम अप्लाइंसेस। और फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकता या जिसकी कोई चार बेटियां हैं या पांच बेटियां हैं, वो लोग कहाँ पे जाएं या वो कहाँ से अफोर्ड करें? सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी शुड ऑलवेज, आई मीन मुझे लगता है मीडिया में, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, मतलब ये एक ऐसा है मौजू या एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो शुरू से और हमेशा से और अभी भी एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट ने 79 के अंदर एक एक्ट किया था कि जी अब ये नहीं होगा और बहुत चेक एंड बैलेंस रखेंगे, लेकिन लोग नहीं सुनते। और उसमें आज तक भी यही हो रहा है कि जी बहुत से रिश्ते या बहुत सी लड़कियाँ जो हैं ओवर एज हो गई है, बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड वेरी सेंसिबल, या जो सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जी जहेज में ये सामान आना चाहिए। हाँ। और फिर मुझे ये नहीं समझ आती, आप जो बंदा या ह्यूमन बीइंग आ रहा है उसको आपने वैल्यू नहीं करना, उसके कैरेक्टर देखो, अखलाक देखो, एजुकेशन देखो, उसकी तरबियत देखो, उसके स्किल्स क्या है, उसका हुनर क्या है, वो ये आपको वैल्यू करते हैं कि आपकी वो जो कमर्शियल या जो आपके कमोडिटीज़ हैं कि जी आपने जहेज कितना लेकर आए हैं। नहीं, जहेज से बिल्कुल वर्थ होती है आपकी सोसाइटी के अंदर, वो कहते हैं। लेकिन बात ये है, मेरा ये ख्याल है कि एक ना डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। एक जहेज़ वो होता है जो आपको ना ससुराल वाले जो है या लड़के वाले जो होते हैं, आपको लिस्ट करके डिमांड करते हैं कि ये आइटम होगा तो शादी होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। एक वो चीज़ होती है, वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। एक वो चीज़ होती है जो माँ बाप अपनी खुशी से खुद से अपनी बच्चियों को देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको ना बहुत ज़्यादा, तो चलो गिफ्ट हो गया ना कि जो भी आप, अच्छा कुछ माँ बाप जो है वो गोल्ड देते हैं कि जी हम चले फर्नीचर इस तरह नहीं है, मतलब मेरी अपनी फॉर एग्जाम्पल खुशी है तो मैं अपनी बच्ची को गोल्ड दे दूँ, पैसा दे दूँ कैश के, वो आगे जाके यूज़ कर ले। सो दैट्स डिपेंड ऑन देम। लेकिन वही बात है कि लिस्ट देनी और उनको कहना है कि आप, बहुत गलत बात है। नहीं, लिस्ट करना एक बहुत गलत चीज़ है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से एक जो मैं आपको एक नया पहलू बताना चाहती हूँ। हाँ। अगर हम इसमें हमेशा कहते हैं कि लड़के वाले एट फॉल्ट है, मैं ये मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जो है जो लोअर क्लास फैमिलीज है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल उसके जिस सेटअप से आप बिलोंग करती हैं, मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उस वाले सेटअप की थोड़ी सी वर्किंग क्लास हो गए इनको, आप जो मर्ज़ी कह लें, इस बात कह रही हूँ। बेसिकली एक चीज़ ये है कि आपके आप लोग जो हैं जहेज देते हैं नहीं देते, फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहेज दिया जाएगा ना, अनकही सी ये बात हो जाती है, कई लोग लिस्ट आउट नहीं भी करते। लेकिन बात यह है कि जो लड़कियाँ हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ होती है कि आप चलो दहेज नहीं ला रहे, दैट्स फाइन, इट्स ओके। बहुत सारी मेरे ख्याल से इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आजकल हमें नज़र आती हैं जिसमें लड़के वाले जहेज़ नहीं मांग रहे होते, एंड वो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने की बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लड़कियाँ जो एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि शादी हो जाएगी और हाँ। वो डिज़ाइनर जोड़ों में आ जाएंगी, ब्रांडेड उनके पास बस्ते होंगे और एक उनका लेविश लाइफस्टाइल होगा, तो मेरे ख्याल से टू एक्सपेक्ट कि लड़के वाले, अगर आप लड़की वाले खर्चा नहीं कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करना कि लड़के वाले खर्चा करेंगे, ये भी बहुत गलत बात है। हाँ, मतलब वो बेसिक नीड्स जो हैं आपके घर के अंदर, यानी आपको इटालियन या इस तरह के डिजाइनर फर्नीचर नहीं चाहिए, लड़की को मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचे ना कि आप जो है अपनी बेटी को जहेज नहीं दे रहे, फाइन ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दे रहे, नहीं देना चाहते या जो भी है,
तो जो जो फर्नीचर जो घर में अवेलेबल है, तो लड़का कोई मतलब जत्ती पुत्र मतलब क्या मैं कहना चाहती हूँ, लड़का जो है वो भी तो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं ना। आप कौन सा कोई बुढ़े बाबे से अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, राइट? कोई 50 साल का नहीं, तो लड़का नहीं है ना, और वो भी तो करियर अपना एस्टैब्लिश कर रहा है। जब वो करियर अपना एस्टैब्लिश कर रहा है तो वो लड़की को भी चाहिए कि जो फर्नीचर है जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसी में एडजस्ट करे। लेकिन जो हमारी मिडिल क्लास लड़कियां हैं उनका ये माइंड सेट है कि नहीं, मैं शादी करके आऊंगी तो मैं पुराने बेड और पुराना सोफा और उस पर नहीं, मेरे लिए नई चीजें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से डाउरी की तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन अब इस बात नहीं करते कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सिर्फ लड़के वाले मेरे ख्याल से जुल्म नहीं करते, लड़की वाले भी अपनी तरफ से जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। मतलब कि आप अननेसेसरीली एक्सपेक्ट करें कि मेरी जो बच्ची है उसको आप जो है 6 लाख 8 लाख का लहंगा बना कर देंगे, भाई क्यों बना कर देंगे, ऐसा क्या है कि ऐसा? आई थिंक ये इस चीज़ के ऊपर हम कभी नहीं बात करते। हम हमेशा जब भी शादियों की और डाउरी की बात करते हैं हम हमेशा लड़कियों को विक्टिमाइज होते हुए दिखाते हैं, लेकिन लेकिन वो बात ये है ना शिजा, वो हम लोअर क्लास की बात करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास में एक्चुअली डाउरी इज अ बिगर प्रॉब्लम और ज्यादा मैसिव उस पे है, स्केल पे है। जो ये तुम प्रॉब्लम कह रही हो ना, आई एग्री कि आपकी हाई फिर आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए लड़के से, वो अभी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं हुई है। और डाउरी जो है ना वो इतनी प्रॉब्लम है कि लड़कियों के साथ या जो शादी कर रहे हैं उनके साथ एसोसिएट हुई भी है कि भी वही बात बताई थी मैंने कि शादी नहीं होती, बल्कि कुछ केसेस में तो ऐसा है कि अगर बाप अगर इफ़ यू गो फॉर दी सम एलीट क्लास या जो अफोर्ड कर सकते हैं कि जी हम अपनी बेटी को बंगला भी देंगे गाड़ी भी देंगे एंड देन शी गेट मैरिड यू नो, और मतलब बल्कि वो फिर ये होता है कि ज़्यादातर एक ग्रीड या वो एक एलिमेंट आ जाता है लालच वाला कि जी लड़की के पास तो इतनी जायदाद है तो फिर तो मैं इसके साथ शादी कर लूँगा, मैंने आराम से बैठ के खाना है, यू नो ये भी तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन ये जो तुमने भी कहा है और ये वाला जो मैं मेंशन कर रही हूँ ये इतने ज्यादा नहीं है जितना ये जहेज का कि जी आपकी वो जो लिस्ट आती है और आपने नहीं, मैं आपको बताया। अच्छा सुनो, अगर चलो कोई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं है या चलो लड़के वाले नहीं मांगते, पेरेंट्स को फिर ये भी डर होता है कि ये वहाँ पे जाके कोई ना कोई इसको ऐसा कोई कह देगा कि जी अच्छा ये तो जहेज के बगैर आई है, या उनको होता है कि सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है और हमने अगर नहीं दिया तो लोग हमें जलेंगे या लोग हमें कहेंगे हाँ अच्छा तुम लोगों ने तो बेटी को ऐसे ही दे दिया, तुम लोगों ने तो उसको वैल्यू ही नहीं किया है, तो क्या आपने बेटी को ऐसे निकाल दिया घर में से, आपने उसको तो कुछ दिया भी नहीं है, तो ये भी तो एक चैलेंजेस प्रॉब्लम्स है ना। बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी सोसाइटी में क्योंकि खवातीन जो हैं वो एक चार दीवारी में रहती हैं, कम आगे पीछे जाना वगैरह होता है, सो इसमें और जो थोड़ा बहुत आपको आउटलेट मिलता है वो सोशल मीडिया का आउटलेट आजकल मिलता है लड़कियों को, तो जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर हमें पता है एक बहुत फेक लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश की जाती है जो कि बिल्कुल रियल नहीं है। तो लड़कियां जो हैं उस रेस के अंदर उनको होता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ होंगी इस टाइम पर जो कहती हैं कि हम अभी तो इस चीज़ के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के घर में होती हैं जिस तरह से भी रह रही हैं, बट ये कि उनको उन्होंने क्योंकि माँ बाप ये कहते हैं कि जब तुम शादी हो जाएगी ना तो तुम फलानी चीज़ भी कर लेना, फलाना कर भी काम भी कर लेना, फलानी जगह भी चले जाना, तो उनको ये अनरियलिस्टिक किस्म का उनका एक माइंड बन चुका होता है कि हम जब शादी होगी हमारी तो हम लोग हैं ना हम ब्रांड्स के अंदर तोले जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी क्योंकि ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल, ये लड़कों के माँ बाप तो नहीं उसकी एक्सपेक्टेशंस बना रहे, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस टाइम मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं उसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हारी शादी हुई तो तुमने कौन सा डिज़ाइनर का जोड़ा पहना, तुम्हारे ससुरालियों ने कौन कौन से बरी के अंदर और फिर वो पिक्चर्स होती है पिक्चर्स के थ्रू पता है कि ये मेरा फोटोग्राफर तुमने रखा, फोटोग्राफर के ऊपर तो बाकायदा एक पूरा वो है, थैंक गॉड कि इन्होंने वो खानों शादियों पे वो खाने वाने खाना जो है वो वन अभी तो आजकल तो आई मीन ये जो लैविश किस्म की वेडिंग्स हैं दैट्स अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली इन लाहौर, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपको पता है इस टाइम दे आर स्पेंडिंग सो मच नॉट ऑन द इवेंट इवन, और फिर उसके बाद ये जो डिजाइनर के जोड़े हैं फिर देन द गिफ्ट्स एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फिर उसके बाद वो जहेज भी आ जाता है और सारी चीजें
वो तो फिर आपका ये शादी का पैकेज ना नाइट मेयर हो जाता है। मेरा ये ख्याल अभी अभी तुम सोशल मीडिया की बात कर रही थी, याद है वो अभी आया था वो छोटी गाड़ी में, आई थिंक दैट वाज ऑल्टो, उसको उन्होंने सजाया हुआ था टू बारात के लिए। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जी वही बिग कार, यू नो, चाहे वो रेंट आउट करो, जो भी करो, करोला बड़ी गाड़ी होगी तो उसमें फिर दुल्हन का हम लेकर आएंगे। लेकिन उसने वो इतनी वायरल हुआ था एंड दैट वाज वेरी नाइस एंड एवरीवन कमेंटिंग के शुक्र है कुछ थोड़ा ट्रेंड मतलब टूटा है या ख़त्म हुआ है। एक और था, एक और भी बड़ी वायरल हुई थी अबाउट दिस डाउरी, जिशान द डिज़ाइनर, उसने वो जो बताया था कि वो जो लड़की है उसने ब्राइडल जोड़ा पहना हुआ, लेकिन शी इज वो कार्ट जो है कार्ट लेके चल रही है बिल्कुल, और उस कार्ट के ऊपर हाँ उसमें बक्से शक्से और वो सारी चीजें, और उसके ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस वो जो दुल्हा मियां है ना वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो दैट वॉज अ वेरी गुड, आई मीन इट वॉज अ वेरी ब्लंट किस्म का स्टेटमेंट थ्रू हिज फैशन डिजाइन या वो उसने किया था कि जी ये वाला मसला जो है बहुत अभी भी इतने 20th सेंचुरी में भी अभी तक मसला बिल्कुल है। ये चैलेंज है लेकिन हाँ। मेरा ये ख्याल है कि ना जो खवातीन हैं द वे दे मैनेज देमसेल्फ्स इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचती हैं। हाँ। अगर वो इस चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी मतलब म्यूचुअल है बहुत ज़्यादा तो लड़का लड़की लड़का लड़की कहे ना कि हमने नहीं लेना। हाँ। तो हमने इसी तरह हमने देखना है कि अगर आपने कुछ देना ही हमें पैसे दे हम आगे जाके आपको मैं बताना चाहती हूँ बात ये कि जब लड़कियों को ना जब सिखाया जाए कि ये एक कंपेनियनशिप है, ये एक पार्टनरशिप है, इसमें आप लोगों ने इकट्ठे ग्रो करना है, हम ये नहीं सिखाते हैं, हम उन्हें ये सिखाते हैं कि अब लड़की जो है अपने एक बाप जो 50 साल का करियर है उसके हाँ। बाद जो आपको आसाइशन दे सकता है वो जो लड़का है अपना हाँ। जिंदगी स्टार्ट अपना करियर स्टार्ट हाँ, करे हाँ। वो आपको नहीं दे सकता हाँ। तो लड़की को हम उस स्ट्रगल के बारे में नहीं बताते, हमने सिर्फ उनको यह बताया दोनों ने ग्रो करना है दोनों। तो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा फेलियर है अगर ये बताया जाए कि ये कंपेनियनशिप है और आपने एक हार्ड लाइफ देख के ये थोड़ी सी स्ट्रगल आपको देखनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हमारे जो है ना काफी सारे जो मसले हैं मसाइल और इवन तो आपका जो इतना राइजिंग किस्म का डाइवोर्स रेट है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। बहुत ज्यादा मसले ये होते हैं कि मुझे इकोनॉमिक और ये प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा होता है मेरे ख्याल से कि तुम मुझे ये वाली जिंदगी नहीं दे सकते हो, मुझे ये नहीं है। हाँ मैंने क्या क्या सोचा था, यू डू नॉट फुलफिल। इसमें हमने ना आने वाली एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट इट। मुझे जो बात समझ नहीं आती है, आई हैव सीन यंग गर्ल्स लाइक दे आर इन देयर अर्ली 20s एंड दे डिमांड अ ड्राइवर, अ कुक and a maid and then someone a babysitter also, I mean nanny, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि आप फिर क्या करेंगी इस पे। तो मैंने बहुत हमने अगली उसमें ना let's discuss that। जो लड़कियां हैं 20-20 साल की लड़कियां उन्होंने बाकायदा लाखों के बैग्स उठाकर हाँ। वो उसके अंदर ना वो फिरती हैं इस टाइम हाँ। तो हाँ। बात ये कि आपकी सोसाइटी सोशल मीडिया पे भी डाल रही है ना पिक्चर्स भी डाल रही है ना डिजाइनर की ये हाँ। मुझे तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा एक ना हमारा जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन स्टिल आई बिफोर वी यू नो दिस प्लान जहेज इज स्टिल अ प्रॉब्लम और रहेगा प्रॉब्लम है। अगर हम सब लोग नहीं बात करेंगे, लड़के वाले भी लड़की वाले भी सारे इसको मिलकर खत्म नहीं करेंगे। इसके अंदर मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है हमें दोनों का रोल सोचने की जरूरत है कि दोनों पार्टी जो है वो किस तरह से हैं, वो क्या सोचती हैं और किस तरह से। आई थिंक इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप हमें लाजमी लिख के बताइएगा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और इसी के साथ हमें इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।